डेली न्यूज की ट्रेवल सीरीज में आपका स्वागत है। अक्सर हम सभी का गोवा जाने का मन करता है, लेकिन दोस्तों के कारण प्लान कभी पास नहीं हुआ। पर अब बीच की मस्ती भी चाहिए तो परेशान मत होइए आप, हम आपके लिए बेहतरीन बीचेस वाला शहर ढूंढ कर लाए हैं। न ज्यादा महंगा है और ना ही वहाँ पहुँचना ज्यादा मुश्किल। दरअसल हम बात कर रहे हैं गोकर्ण की। सबसे ज्यादा शांत कही जाने वाली ये जगह अब पर्यटकों की चहल पहल का अहम हिस्सा बन गई है, इसलिए हम आपको गोकर्ण के टूरिस्ट स्पॉट के बारे में बताने जा रहे हैं। ओम बीच। इस बीच को ओम बीच के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस बीच का आकार ओम के जैसा है। खूबसूरत और शांत ये बीच ऊंची नीची पथरीली चट्टानों का एक शानदार नजारा पेश करता है। यहाँ पर ढेर सारे कैफे भी मौजूद हैं। आप यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स का भी लुत्फ उठा सकते हैं। जब आप इस बीच पर आए तो बनाना बोट राइड और सर्फिंग का आनंद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। अंशी नेशनल पार्क। ये पार्क देश के सबसे लोकप्रिय पार्कों में से एक है। पंछियों की 200 से भी अधिक प्रजातियां इस पार्क में मौजूद हैं, जो पंछी प्रेमियों के लिए किसी भी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ के घने जंगलों में आपको ठंड बहुत ज्यादा महसूस होगी। अगर आप इस जंगल को अच्छी तरह से घूमना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 घंटा लग सकता है। पैराडाइज बीच। इस बीच को फुल मून बीच भी कहा जाता है। ये जगह ओम बीच से ज्यादा शांत है और यहाँ पर्यटकों का आना जाना भी बहुत कम होता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको नाव का सहारा लेना पड़ सकता है या फिर जंगल के रास्ते से जाना पड़ेगा। ये बीच तैराकी के लिए एकदम सही जगह है। यहाँ अधिक संख्या में कैफे मौजूद हैं, जहाँ आपको स्वादिष्ट मछली सर्व की जाएगी। इस बीच पर कोई वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। येल्लापुर। गोकर्ण से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर येल्लापुर के अद्भुत लालगुड़ी वाटरफॉल्स हैं। पिछले कुछ सालों में लालगुड़ी जलप्रपात काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। इस वाटरफॉल की शुरुआत काली नदी से होती है और इसका व्यू आंखों में बसाने लायक है। इसके अलावा आप यहां पर कुडले बीच, कारवार और कुमटा घूम सकते हैं। एडवेंचर के शौकीनों के लिए गोकर्ण में एक स्कूल भी है जो आपको सर्फिंग सिखाएगा। आप यहाँ पर 7 दिनों से कम समय के लिए भी एक कोर्स का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मसाज पार्लर और स्पा भी आसानी से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि कैसे पहुँचें। हवाई मार्ग के जरिए डेवोलिम हवाई अड्डे पर पहुंचकर आप गोकर्ण के लिए टैक्सी या बस का सहारा ले सकते हैं। गोकर्ण बीच फेमस तटों में से एक है। आप यहाँ पर स्थानीय भोजन और सी फूड का भी लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।